सही ऑप्शन सही टाइम पे मुझे मिल गया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। सो आज का जो वीडियो है वो बहुत 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 अलग और एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है ये है जीपी एक्सपीरियंस के बारे में। सो जीपी एक्सपीरियंस बेसिकली है एक सैलॉन एम्स्टरडैम में। सो आज मैं एम्स्टरडैम आई हूँ, तो जो आपको पीछे सारी बिल्डिंग्स और सब कुछ दिख रही है वो एम्स्टरडैम की दिख रही है। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं अपने हेयर की कहाँ पर हेयर कट करवाऊँ, या फिर मैं कहाँ पर जाऊँ जहाँ पर मैं अपने हेयर कलर कराऊँ, क्योंकि पिछले 3-4 साल से मैं प्रोफेशनल हेयर कलर इंडिया में ऑब्वियसली करा ही रही थी, और इंडिया में जाती हूँ 1.5 साल में एक बार, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि रहता ही नहीं है कुछ ऑप्शन उसके अलावा। जब इंडिया जाओ तभी कराओ, क्योंकि जो एक होता है ना टेस्ट एंड ट्राई वाला जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। और ऐसे टाइम पे जीपी एक्सपीरियंस जो है वो एकदम ना जो कहना चाहिए एकदम सही ऑप्शन सही टाइम पे मुझे मिल गया, क्योंकि मैं सोच रही थी और फाइनली मुझे वो जगह मिल गई जो मेरे बालों का भी ध्यान रख सकते हैं और मैं जैसा चाहती हूँ वैसा बालों के लिए कर सकते हैं, हेयर कट हो या कलर हो। सो अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं हेयर कलर भी कराने वाली हूँ नहीं, वो जैसा सजेस्ट करेंगे मैं वैसा करने वाली हूँ। तो चलते हैं एंड आई होप कि ये जो आज का दिन है ये आपको मज़ा आए मेरे साथ और आपको भी एक ऑप्शन मिलेगा पक्के से कि आप अपने बालों का ध्यान कहाँ जाके रखवा सकते हैं। तो आई थिंक आज मेरा एक थोड़ा सा लुक चेंज होने वाला है, तो थोड़ी सी डरी हुई हूँ मैं क्योंकि यहाँ पहली बार है, लेकिन मुझे पता है कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि नाम में ही एक्सपीरियंस छुपा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ मैं आ गई हूँ जीपी एक्सपीरियंस सैलून में, और इतना ज़्यादा खूबसूरत सैलून था, एक जो सैलून वाला फील होता है वो था, बहुत ही ब्यूटीफुल एम्बियंस था, और सारी तरफ ना सारे ऐसे हेयर प्रोडक्ट्स और सब कुछ रखे हुए थे। स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छा था और सब कुछ। तो पहले तो मैंने ना पूरे सैलून का अच्छे से टूर लिया, तो मैंने एकदम वीडियो भी बनाया कि क्या क्या है वहाँ, और एकदम सारी चीज़ें ना एकदम यूनिक और खूबसूरती से रखी हुई थी। एक प्रॉपर पूरा कॉफ़ी कॉर्नर था, आपको जितनी कॉफ़ी चाहिए आप कॉफ़ी पी सकते हो, और सब कुछ यहाँ ये सारे वॉश करने के लिए सब कुछ पूरा एरिया अलग से था, एकदम रिलैक्स फील कर सकते हो आप वो सब था। और यहाँ है ग्लूटेन जो कि सैलून चलाते हैं, जिनका ये सैलून है। सो यहाँ वो मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, उनके क्या राय है मेरे बालों को लेकर, और तीसरी चीज़ कि हम क्या करने वाले हैं एक्चुअली, तो उस पर बातचीत हो रही है। क्योंकि मेरे ऑलरेडी कलर्ड थे बाल, तो उनका ये कहना था कि हम बहुत ज़्यादा ब्लीच यूज़ नहीं कर सकते, और कितने कट करना है कैसे करना है, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो भी करो अच्छा लगना चाहिए, और दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि बाल ख़राब नहीं होना चाहिए, अच्छा लगे वो। सो वो बिल्कुल समझ पा रहे थे कि इंडियन हेयर किस तरह के होते हैं या किस तरह का मुझे एक्चुअल में कट चाहिए, ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमारे इंडियन हेयर थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। उसके बाद यहाँ जो है वो मेरे हेयर कट कर रहे हैं, बट पूरे कट नहीं किए, उन्होंने आधे कट किए मेरे हेयर और उसके बाद कलर किया उन्हें, और फिर से कट करके प्रॉपर लेंथ डिसाइड की, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। यूजुअली सैलून्स में ऐसा नहीं होता है, वो पहले ही कट करके फिर आपके कलर हेयर कर देते, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से किया, जो कि मुझे ये वाला जो प्रोसेस है ये बहुत पसंद आया। और मेन चीज़ वही थी, क्योंकि ये समझ पाना कि आपको कैसा हेयर कलर चाहिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे ना ऐसे बहुत ब्राइट और सब कुछ नहीं चाहिए था, तो मेरा वो जो मन था ना वो पूरा हो गया कि मुझे जैसा चाहिए वैसी चीज़ें हो रही है। और यहाँ जो है हम लोग बातें कर रहे हैं इंडियन नामों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जिन नामों को ना वो गलत प्रोनाउंस करते हैं जो उनके यूजुअली दूसरे कस्टमर्स हैं और सब कुछ, और यहाँ मेरे नाम पर हंसी हो रही है क्योंकि मेरा नाम गलत प्रोनाउंस कर रहे थे। सो नाउ इज़ लाइक कि यार कर दी अब तो गड़बड़ मैंने, अब मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा। सो हम फिर से मैं पूरे स्टाफ को बता रही हूँ कि हाउ टू प्रोनाउंस माई नेम,
तो बस वहाँ यही हंसी मजाक चल रहा था और एकदम रिलैक्स फील हो रहा था, कोई ऐसा अजीब नहीं लग रहा था। ओके सो उन्होंने मेरे बालों को जो है कलर कर दिया है। आई होप आपको दिख रहा होगा मेरा चेहरा। बेसिकली कॉन्टोर किया है क्योंकि मेरे जो बाल हैं वो उनके हिसाब से पहले से ऑलरेडी कलर थे, तो वो थोड़े से अजीब लगेंगे अगर पूरे हम कलर कर लेंगे। और वही बात है जो मैं बोल रही थी कि उन्हें ये पता है कि मुझे ब्राइट कलर नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल कलर चाहिए बेसिक। तो मैंने थोड़ा सा हेयर कट कराया है, उन्होंने कहा बहुत छोटे बाल नहीं अच्छे लगेंगे, सो थोड़ा सा रिच और अच्छा लगेगा। तो यहाँ कॉन्टोर किया है और हेयर कट किया है, सो वेट करते हैं रिजल्ट आने का। यहाँ मेरे जो हेयर्स हैं वो वॉश हो रहे हैं, ये पहला वाला वॉश था। सो पहली बार तो मेरे हेयर देखकर ना ये इस पॉइंट पे मेरा चेहरा आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा डर गई थी भाई ये क्या हो गया मेरे हेयर्स को। लेकिन इसके बाद वो फिर से उन्होंने कुछ कुछ अप्लाई किया और फिर 10 मिनट बाद, फिर से 15 मिनट बाद उन्होंने हेयर्स को धोया तो एक्चुअल कलर आया और अभी भी लेंथ बड़ी लग रही है। और यहाँ फाइनल लुक बस मेरा आने वाला है, आई एम रियली एक्साइटेड कि एक्चुअल में मेरे हेयर्स के साथ क्या होने वाला है। तो उन्होंने पहले फ्रंट के हेयर्स को थोड़ा सा ड्रायर से सेट किया मुझे बताने के लिए, एंड सी ये इस तरह के लग रहे थे। यहाँ भी वो मुझे बता रहे हैं कि मेरे जो स्किन टोन है उसके साथ कलर कैसा लग रहा है। उनका बेसिक वो यही था कि ऐसा नहीं हो कि एकदम लाइट कलर कर दिया और स्किन टोन के साथ वो मैच नहीं कर रहा है। तो ये देखिए ये मुझे बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में कैसे हो रहा है, स्टाफ को भी बता रहे हैं। तो एकदम जो होता है ना हैंड पेंटेड पूरा एक पेंटिंग हो गई मेरे बालों पे, तो बहुत सुंदर लग रहा था आगे से। सो बाद में उन्होंने फिर थोड़ा सा और कट किया जैसे मैंने कहा था, बाद में पीछे के बालों को सुखा के कट करके उन्हें एकदम सेट किया और ये रहा मेरा फाइनल लुक। एंड आई एम सो हैप्पी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब एकदम मेरा फेस ही चेंज हो गया था। आई एम रियली रियली हैप्पी। और यहाँ एक इंडियन गाना चल रहा था मेरी पसंद के जिस पर वो डांस कर रहे हैं, और ये है वो ट्रांसफॉर्मेशन रील जो मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे शेयर की हुई है। सो ये मेरा पहले वाला लुक और ये मेरा बाद वाला लुक, एंड आई होप कि ये हेयर्स आपको भी उतनी पसंद आए जितनी कि मैं खुश हूँ इन हेयर्स के साथ। और बहुत खूबसूरत लग रहे थे, एकदम लाइट में चमक रहे थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। एवरीवन, सो आई एम बैक और आज का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा अच्छा रहा है, होप कि आपको भी मेरे बाल अच्छे लग रहे होंगे। इतना मज़ा है और ना मैंने एक्चुअल में यही इमेजिन किया था जो अभी हैं बाल। एक्चुअली मुझे कलर कराने का हमेशा शौक रहा है, लेकिन हमेशा मेरा पहला पॉइंट इंडिया में भी यही होता था कि मुझे नेचुरल कलर चाहिए, मुझे नेचुरल चाहिए सब कुछ। और आज बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस मुझे हुआ है। और अगर आप नैदरलैंड में हो सो प्लीज़ ट्राई जीपी एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और यहाँ है आदिश्री। आदिश्री आपको कैसे लगे मम्मा के बाल, अच्छे लगे, पसंद आए आपको? ओके। और अगर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी वेबसाइट की और साथ ही साथ उनके इंस्टाग्राम हैंडल की, तो आप उसे वहाँ से क्लिक करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरे हिसाब से इंडियन हेयर को एक अलग केयर लगती है और उन्हें थोड़ा समझना, कलर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा 80% लोगों को बहुत ज़्यादा एकदम कहना चाहिए ब्राइट और बहुत ही ऐसे सतरंगी कलर नहीं पसंद होते, हमें नेचुरल चीज़ पसंद होती है। सो उस हिसाब से एकदम बेस्ट है। सो यही था व्लॉग, आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ अपने लिए काउंट करते रहिए। नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।